हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ में जो ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ उसमें मैं थोड़ा सा पार्ट अपना योगा रूटीन का शेयर करूँगी, बिकॉज इसके लिए बहुत रिक्वेस्ट आ रहे थे मेरे पास। तो बेसिकली मैं एक वीक में 3 दिन योगा करती हूँ और मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो 3 दिन योगा मैं कर पाऊँ। और अपार्ट फ्रॉम दैट मैं थोड़ा बहुत डांस करती हूँ जिस दिन योगा नहीं करती हूँ उस दिन। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं प्राणायाम कर रही हूँ जिसमें मैं अनुलोम विलोम, कपालभाति और चतुर्भुज आसन कर रही हूँ ताकि जो हमारी बॉडी है वो क्लीन हो जाए और एक ऑरा क्रिएट, क्लीन ऑरा क्रिएट करने के लिए। एंड वी स्टार्ट विद दिस बटरफ्लाई आसन। ये करने के बाद हमारी बॉडी प्रेप हो चुकी होती है फॉर सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में यूजुअली 12 स्टेप्स होते हैं और ऐसा बोलते हैं अगर वो 12 स्टेप्स आप 12 टाइम्स कर लें तो आपको किसी और एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो आपकी पूरी बॉडी का एक तरह से एक्सरसाइज हो जाता है। बट स्टिल मैं 12 बार नहीं करती हूँ, मैं 6 टाइम्स करती हूँ और उसके बाद मैं कोर वाले जो आसन है वो करती हूँ। मैं कोर एरिया के जो सेंट्रिक आसन होते हैं मैं यूजुअली वो करती हूँ, बिकॉज फीमेल बॉडी का कोर स्ट्रांग होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका कोर स्ट्रांग रहेगा तो आप हार्मोनल प्रॉब्लम से बचे रहेंगे और बहुत सारे इश्यूज से आपको आगे चल के प्रॉब्लम नहीं होगी। सो दैट्स वाई मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जितने भी कोर वाले आसन हैं वो करूँ। तो सूर्य नमस्कार के बाद मैं वही करती हूँ। तो यहाँ पर मैं दूसरे एंगल से आपको सूर्य नमस्कार दिखा रही हूँ। आई एम नॉट अ प्रोफेशनल ट्रेनर, ना ही मैं कोई परफेक्शनिस्ट हूँ इसमें, तो अगर छोटी मोटी गलती हो जाए तो प्लीज़ बेयर विथ मी। मैंने लेकिन 3 मंथ्स की ट्रेनिंग ली है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली है प्रोफेशनल ट्रेनर से योगा की। इसके पहले मैं कभी भी ऐसे योगा नहीं करती थी खुद से, क्योंकि योगा ऐसी चीज़ है कि आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। अगर आप इसको गलत तरीके से करेंगे तो हो सकता है ये नेगेटिव इम्पैक्ट भी कर सकता है आपकी बॉडी पे। सो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा आसन किस तरह से किया जाता है। तो यस, गोभी के कोफ्ते, गोभी के कोफ्ते वाली सब्जी। दिस इज द फर्स्ट टाइम मैं गोभी के कोफ्ते बना रही हूँ। आई डोंट नो वो सही बनेंगे, फट जाएंगे, अच्छे बनेंगे, टेस्ट में क्या होने वाला है। सो या लेट्स जस्ट सी, देखते हैं एक्सपेरिमेंट फेल होता है कि पास होता है। एंड टुडे इज माय मॉम्स बर्थडे, टुडे इज 29th मार्च, और मैंने पोस्ट डाला, काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं मम्मी के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं गोभी के कोफ्ते। सो अ क्विक चेंज इन प्लान, हमारी जो गोभी है आई डोंट नो कैसे, बट उसमें मैंने उसको एयरटाइट डब्बे में भी रखा था, बट स्टिल उसमें कीड़े लग गए हैं और ज़्यादा पुरानी भी नहीं है, सिर्फ 5 डेज पुरानी है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो जिनसे हम लेकर के आए उन भैया के पास बहुत दिन पुरानी होगी, क्योंकि उनके पास भी कोई फ्रेश पीस नहीं आया होगा, ये स्टोर्ड वाली होगी। तो अब इतने कीड़े लग गए हैं, तो अनफॉर्चुनेटली ना चाहते हुए भी इसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो कोफ्ते तो मुझे बनाना ही है, सो व्हाट आई एम डूइंग इज मैं ककड़ी के कोफ्ते बनाने का ट्राई करूंगी, बिकॉज अभी नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो लौकी भी नहीं है हमारे पास, ककड़ी है। तो ये ककड़ी के तो पता नहीं कैसे ही बनेंगे, क्या बनेगा, बट लेट्स जस्ट ट्राई इट, देखते हैं। क्योंकि जैसा मैंने लौकी के कोफ्ते देखे उसी तरह से मैं सोच रही हूँ ककड़ी के बन जाएंगे। आई गेस, आई एम होपिंग सो कि बन जाए। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको क्यूकम्बर को अच्छे से पील करना है, और आपकी जो भी वेजिटेबल्स आप अभी यूज़ कर रहे हैं बिकॉज ऑफ अभी जो भी चल रहा है, आपकी वेजिटेबल्स बहुत अच्छे से क्लीन होनी चाहिए। आप कोशिश करिए कि सॉल्ट के पानी में उनको वॉश करें एंड 24 आवर्स के लिए आप उनको पानी में ही रहने दीजिए, उसके बाद ही आप यूज़ करें। तो जब आप क्यूकम्बर को अच्छे से पील कर लेते हैं, तो यहाँ पर मैं श्रेडिंग कर रही हूँ क्यूकम्बर की। अगर आपके पास फूड प्रोसेसर नहीं है तो आपके पास जो हमारी नॉर्मल किसनी होती है आप उससे किस सकते हैं प्रॉपरली, वो भी सेम इसी तरह का रिजल्ट देती है। तो उसके बाद आपको क्यूकम्बर में से पानी निकालना होता है जब प्रॉपरली पूरी श्रेडिंग हो जाती है। तो क्योंकि क्यूकम्बर में तो बहुत ही ज़्यादा वाटर एलिमेंट, वाटर कंसिस्टेंसी होती है, तो वाटर को आपको अच्छे से रिमूव करना है। तो मैं यहाँ पर वाटर रिमूव कर रही हूँ अपने क्यूकम्बर में से। Thank you.
उसके बाद हम अनियन की चॉपिंग करेंगे, तो आपको बिल्कुल फाइन चॉप अनियन चाहिए रहेंगे इसके लिए, तो कोशिश करिए कि जितना ज़्यादा फाइन इसको कट कर सकें उतना ज़्यादा इसको फाइन कट करिए। नेक्स्ट हम अनियन और क्यूकम्बर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसमें डालेंगे थोड़े से चॉप्ड कोरिएंडर, उसके बाद हम डालेंगे थोड़ी सी ग्रीन चिलीज और आप थोड़े बहुत मसाले डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ भुना हुआ जीरे का पाउडर, साथ ही साथ मैं यहाँ पर डालूंगी थोड़ी सी हल्दी, उसके बाद लाल मिर्ची एंड सॉल्ट आपको नहीं ऐड करना है, बिकॉज अगर आपने स्टार्टिंग में ही सॉल्ट ऐड कर दिया तो ये बहुत ज़्यादा पानी छोड़ने लगेगी क्यूकम्बर, क्योंकि ऑलरेडी इसमें बहुत ज़्यादा यू नो पानी होता है और ये बहुत ज़्यादा पानी छोड़ दिया जाएगा, तो वो नहीं ऐड करना है। देन यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा बेसन। एक्चुअली मैंने यहाँ पर मिस्टेक जो करी थी वो मैं आपको बताती हूँ, मुझे इसको और ज़्यादा ड्राई करना चाहिए था क्यूकम्बर को, मैंने सिर्फ एक ही बार से इसका पानी जो है वो निकाला एंड लिटरली मुझे काफ़ी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि मैं बार बार इसमें बेसन ऐड कर रही थी और वो उतना ही ज़्यादा पानी को रिलीज़ करती जा रही थी क्यूकम्बर। तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि आप अच्छे से इसका पानी निकालिए। मैं जो लौकी के कोफ्ते होते हैं मैंने वो वाला वीडियो देखा था, बिकॉज ऑब्वियसली मुझे नहीं आता था बनाना, बट क्यूकम्बर के मुझे वीडियो नहीं मिले और क्योंकि मेरे पास लौकी नहीं थी तो मैंने क्यूकम्बर में एक ट्राई दिया और ये जो प्रॉब्लम है ये मैंने फेस किया जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। एंड देन फिर उसके बाद मैं यहाँ पर क्यूकम्बर की बॉल्स बनाना स्टार्ट करूँगी, और विक्की ने थोड़ी सी हेल्प करी थी बट वो और डिज़ास्टरस कंडीशन में हेल्प कन्वर्ट हो गई थी, सो येस। और फिर जैसे तैसे करके आई यू नो मैनेज टू मेक कोफ्ते की जो बॉल्स होती हैं वो मैंने बनाई। एंड दूसरा टिप मैं ये दूंगी, क्योंकि मेरी बॉल्स इस तरह से हो चुकी थी कि अगर मैं इनको फ्राई करने का कोशिश करती तो ये पूरी तरह से फट जाती, तो मैंने क्या किया इसको फ्रीज़र में रख दिया था फॉर 20 मिनट्स, मैंने जो फास्ट फ्रीजिंग होती है पावर फ्रीजिंग होती है उसमें कन्वर्ट करके रख दिया था, तो 20 मिनट्स में वो बहुत अच्छी हो गई थी। एंड तब तक आई प्रिपेयर्ड फॉर यू नो चपाती और मैंने अपना चपाती वाला काम कर लिया था, सो यस। तो जब तक हमारे जो कोफ्ते के बॉल्स हैं वो फ्रिज में हैं तब तक हम बाकी की इसकी ग्रेवी प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पर मैं अनियन ग्रेवी प्रिपेयर कर रही हूँ, तो फिलहाल मैंने सिर्फ अनियन को इस तरह से कट करके ग्राइंडर में रख दिया है और इसका मैं पेस्ट बनाऊंगी। और पेस्ट बनाने के बाद मैं यहाँ पर मैंने एक पैन लिया, कढ़ाई ली और उसमें तेज़पत्ता और थोड़ा सा जीरा डाला और हींग डाली है और यहाँ पर अनियन का पेस्ट इसमें डाल दिया। जब तक अनियन का पेस्ट होगा क्योंकि इसको होने में ऑब्वियसली टाइम मिलेगा, क्योंकि मैं यूजुअली लो फ्लेम पे कुकिंग करती हूँ, तो जब तक ये कुक्ड होगा प्रॉपरली इसका कलर चेंज होगा तब तक हम टमाटो की प्यूरी बनाते हैं। तो उसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने जिंजर गार्लिक लिया है और 3 टमाटो लिए हैं, अगर आपने 2 अनियंस लिए हैं तो 3 आपको टमाटो लेने होते हैं, तो यहाँ पर मैं इसकी प्यूरी बनाऊँगी। एंड हमारे ये जो कोफ्ते बॉल्स हैं ये एकदम रेडी हैं फॉर डीप फ्राई। तो अब ये देखिए इसका जो अनियन वाला जो पेस्ट है वो ऑलमोस्ट कलर चेंज कर चुका है, और जो दूसरा मेरा वाला फ्लेम है उसमें मैंने अपना जो आयरन वोक है उसमें डीप फ्राई करने के लिए जो कोफ्ते के बॉल्स हैं वो डाल दिए हैं। और यहाँ पर अब मैं डाल रही हूँ टमाटो प्यूरी और इसको अब मैं अच्छे से यू नो कुक करूँगी, जब तक ये कुक होगा तब तक वहाँ पर वो अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, और आपको बिल्कुल लो फ्लेम में उसको फ्राई करना है ताकि वो अंदर तक अच्छी तरीके से पक जाए, अदरवाइज़ वो अंदर से कच्चा कच्चा रहेगा क्योंकि बेसन है। और विकी आकर के यहाँ पे चेक कर रहा है बार बार कि सब ठीक तो बन रहा है ना, सब ठीक तो बन रहा है ना, क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम ये ट्राई कर रहे थे। एंड उसके बाद यहाँ पर मैं मसाला डालना स्टार्ट करूँगी, तो वही जो हम नॉर्मल मसाला डालते हैं, हल्दी, मिर्ची, धना पाउडर, गरम मसाला, वो सब डाल करके इसको आप अच्छे से कुक होने दीजिए। और दूसरे गैस पे हमारी जो कोफ्ते बॉल्स हैं वो रेडी हो रही हैं और बहुत ही अच्छे कलर में टर्नड आउट हो रही हैं वो, एंड बाय फार अभी तक का तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है। मैं यहाँ पर थोड़े से
मटर भी ऐड कर रही हूँ फॉर द टेस्ट. मुझे ऐसा लगा अगर वो ख़राब हो जाएंगे तो फिर मैं मटर की ग्रेवी बना करके कुछ सब्ज़ी चेंज कर दूँगी. बट फॉर्चुनेटली ये बहुत ही टर्न आउट बहुत अच्छा हुआ. ये जो कोफ्ते बॉल्स हैं ये भी बहुत अच्छे हुए, बिल्कुल भी कच्चे नहीं थे. अंदर से मैंने इनको ओपन करके भी देखा था, मतलब एक कट करके देखा था कि अंदर इसकी कंडीशन क्या है. एंड ये हमारे सारे निकल चुके हैं. तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया है और जब तक उसमें एक बॉईल आता है उसके बाद आप इसमें कोफ्ते बॉल्स ऐड कर दीजिए. और ये बहुत ही परफेक्टली एकदम सब कुछ एकदम परफेक्ट बना है. मतलब अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है, अभी तक तो मैंने टेस्ट नहीं किया है बट मुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ एकदम बढ़िया है. इसमें मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया था और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा भुना हुआ कसूरी मेथी ऐड करी है और देन उसके बाद थोड़ा सा चॉप्ड कोरिएंडर आप ऊपर से ऐड कर दीजिए एंड एक बॉईल आने दीजिए इसमें. एंड देन आपका जो क्यूकम्बर कोफ्ते हैं वो रेडी है, मतलब ककड़ी के कोफ्ते आपके रेडी हो चुके हैं. सो दिस वॉज द एक्सपेरिमेंट जो कि 100% सक्सेसफुल हो गया. That's it for my video. यही हो रहा है घर में, जो हो रहा है वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ. एंड ओके, जो ककड़ी के कोफ्ते बने हैं वो मैं विक्की का रिएक्शन नहीं ले पाई हूँ बिकॉज अभी फास्ट चल रहे हैं तो उसने जल्दी खाना खा लिया था और तब मैंने क्लिक नहीं किया. बट ट्राई दिस एट होम, ये बहुत अमेजिंग टर्न आउट हुए हैं. मतलब जो इवन जो आप बाकी के कोफ्ते बनाते हो थोड़े से ड्राइड अप लगते हैं अंदर मुँह में, ये बहुत ही टेस्टी लग रहे थे एज पर विक्की का रिव्यू अगर मैं दूँ तो आप ट्राई ज़रूर करना. सो येस, आई होप आप सब लोग घर पर होंगे, सेफ होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे. दैट्स इट फॉर माई वीडियो. आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो. ज़्यादा इंटरेस्टिंग व्लॉग्स तो नहीं बना रही हूँ मैं, बट जो चल रहा है वैसे बना रही हूँ बिकॉज आप लोग बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हो कि डेली वीडियोज़ डालो. तो डेली तो फॉर श्योर नहीं डाल पा रही हूँ मैं. सैटरडे संडेज तो बिल्कुल मेरा ऑफ रहने वाला है. मैं सैटरडे संडे कोई वीडियो नहीं अपलोड करती हूँ. मैं कोशिश कर रही हूँ कि मंडे टू बाकी दिन में डाल सकूं, बट हाँ स्किप हो सकता है उन दिन, मतलब अदर डेज में भी. सो येस, एंड आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो. इफ यू डू सो देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो. एंड मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय.